कटिहार रेलवे जंक्शन पर अब यात्रियों को वीआईपी सुविधा मिलेगी। इसके लिए जंक्शन पर वीआईपी लॉज बनाया गया है, जिसका एनएफ रेल मंडल के जीएम अंशुल गुप्ता ने आज उद्घाटन किया। बता दें कि आज एनएफ रेल मंडल के जीएम अंशुल गुप्ता का कटिहार जंक्शन पर आगमन हुआ। वो रेल मंडल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान वो गहनता से जंक्शन का निरीक्षण किया, बाद में कटिहार के एक नंबर प्लेटफॉर्म के वीआईपी लॉज का उद्घाटन किया। जीएम ने रेलवे के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से सेंसर लाइट सिस्टम से लैस इस हाईटेक लॉज का फीता कटवाया और कहा कि एक एक कर्मचारी को मेहनत से कोई संस्था बड़ा बनाता है। रेलवे की सफलता में उसके चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का भी बड़ा योगदान है। नहीं, सेंसर लाइट नहीं, ये लॉन्च है, वीआईपी लॉन्च जो बोलते हैं, जो हम लोगों के यात्री या जो जिनको वीआईपी फैसिलिटीज की बात करें, तो हर एक आम आदमी हो या एक अच्छा नागरिक हो, सबको एक ऐसा लॉन्च चाहिए जहाँ अच्छी फीलिंग हो। तो उसी का आज इस स्टेशन पर ये शुभारंभ हुआ है और इसमें देखा कि मॉडर्न फिटिंग सब लगी हुई है, सेंसर लाइट के साथ में ये सब चलते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि इस तरह के धीमे धीमे सभी मुख्य स्टेशन जो हैं एनएफ रेलवे के, सब में इस तरह के लॉन्च बनाए जाएँ, जिससे जो यात्री आते हैं सबको इसका आनंद प्राप्त हो, उनको भी एक अनुभूति हो कि हम भी एक मॉडर्न स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, कि यहाँ एक फूड कोर्ट टाइप का भी कुछ यहाँ क्योस्क लगा दिए जाएंगे, जिससे जो यात्री बैठते हैं उनको खाने पीने की सुविधा भी मिलती रहे यहाँ, और सामान वगैरह का लॉकर वगैरह भी यहाँ दे दिया जाएगा। तो इस तरह की सुविधाएँ धीमे धीमे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कटिहार मंडल में काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं, यह सब काम किया जाएगा। और क्या सुविधा विस्तार? अभी तो कई सुविधाएँ हैं। वैसे तो कटिहार मंडल का, क्योंकि कल हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा है। लोडिंग का मामला हो, इनवर्ड जितना सामान आता है उसका मामला हो, नए वर्क करने हैं जो टारगेटेड थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। आने वाले टाइम में हम लोगों का ये प्रयास है कि जो सिंगल लाइन सेक्शंस हैं, खासतौर से जो मेन लाइन के, उसका जो डबलिंग का काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। और अररिया गगलिया जो एक नई लाइन जो बननी है, उसका भी पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तक काम ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि एक जो हम लोगों को एक अल्टरनेटिव रूट भी मिल जाता है। बट डबलिंग का जो वर्क है, HDN जो हम बोलते हैं, हाई डेंसिटी नेटवर्क का, हम लोगों का प्रयास है कि वो एक साल के अंदर उस कार्य को पूरा करा जाए, जिससे कि जो मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं, स्पीड हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो पूरा हो और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां हम लोग यहां से चला पाएं। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।